हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आयशी तोमर है और अभी मॉर्निंग का हो रहा है 5:30। ठीक है, 5:30 तो मॉर्निंग का 5:30 हो रहा है और अब मैं जा रही हूँ रनिंग के लिए। एक्चुअली मेरा जो टारगेट था कि मुझे 4:30 बजे उठना है और अराउंड 5 बजे यहाँ से रनिंग के लिए निकल जाना है, बट वही है ना, अभी मेरा फर्स्ट डे है तो मैं उठ नहीं पाई, तो आज मेरा 5:30 मेरे को बज गया है। फिर भी ठीक है, थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली ना मैं क्या सोच रही थी, यहाँ पर हमारे यहाँ पुलिस एकेडमी है तो वहाँ पर चले जाऊँ, पर वो लोग जो है ना, उनकी ट्रेनिंग चल रही है तो वो लोग 6 बजे आ जाते हैं, तो उससे पहले पहले हमें रनिंग करनी होती है, अदरवाइज हमें निकाल दिया जाता है, गेट आउट कर दिया जाता है। तो पर एनी हाउ वो मैं नहीं जा पाऊँगी शायद, आज मुझे ऐसा लगता है। तो ये मेरा day 1 है, हम देखते हैं क्या होता है। और इस एक ना स्टेप सेट गो करके एक ऐप है, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कितने किलोमीटर अपनी साइकिलिंग करके गई और कितने किलोमीटर मैंने रन किया। तो कुल मिलाकर ये टारगेट होने वाला है हमारा थोड़ा फिट होने के लिए। तो आप भी देखें कि मैं कैसे कैसे एक्सरसाइज करती हूँ, और मिलते हैं आपसे। ओके, thank god that the brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. सो गाइज, यहाँ पर मैं एक एक्सरसाइज कर रही हूँ। मेरे को अपनी साइकिल को ना ये लाइन से ऊपर तक लेकर जाना है और मैं सीढ़ी से जाऊँगी, साइकिल को साइड से ले जाऊँगी। यार मुझे ग्राउंड ना खाली नहीं मिला, फिर भी परेड चल रही थी यार। तो गाइज, मैं पूरे 5 किलोमीटर अपनी साइकिलिंग करके आ गई हूँ। बड़ी तेज आवाज थी इस बाइक की, बट पता है क्या, मैंने आपको बताया था ना थोड़ा लेट हो गई हूँ, तो ये लोग अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि इनकी परेड शुरू हो गई। यहाँ पर ना SI है जो बने हुए हैं, पूजा भी बने हुए हैं उस तरह के SI जो है ना, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो ये लोग ना मतलब हमें जब तक 5:30 बजे तक रनिंग कर सकते उसके बाद ये अलाउ नहीं करते। और जो मेरा पार्क है वो थोड़ा सा टूट गया था बारिश की वजह से, तो वहाँ भी मैं रनिंग नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा फैल रहा है, तो वो मतलब इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा वहाँ पर रनिंग करना। और मैं सोच रही थी यहाँ ग्राउंड में हो जाएगी, बट फ्लॉप हो गया हमारा ये। अब मैं कल कोशिश करूँगी कि मैं 5 बजे इस ग्राउंड में आ जाऊँ और अपना रनिंग शुरू कर दूँ। और अराउंड 5 किलोमीटर तो साइकिलिंग हो गया, वापस जाऊंगी 5 किलोमीटर और हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर अराउंड मेरी साइकिलिंग हो जाएगी आज के लिए। ये टोटल रिकॉर्ड है मेरी साइकिलिंग का। इसमें ना बड़ा शोर सा आ रहा है ना, कोयल की आवाज़। हाँ, कोयल की आवाज़ भी आ रही है। लेट्स गो, चलते हैं वापस, क्योंकि अब तो आज का अराउंड हो गया मेरा फिजिकल। अब शाम को आएंगे रात के टाइम को एक बार पार्क में वॉक करने के लिए। अब घर चलते हैं, ठीक है। बस मैं रनिंग तो आज कर नहीं पा रही क्योंकि आपको बताई दिया है, और आपको धन्नो दिखा देती हूँ। हाय, मेरी धन्नो खड़ी हुई है ये, और बेचारी की हवा ना थोड़ी कम हो रही है, और हवा कम से मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना अब चलाने में, क्या ही बताऊँ। बट अब मैं चलती हूँ घर पर, लेट्स गो। साथ जा रही हूँ वापस, मजा नहीं आया यार, काश रनिंग भी कर पाती तो अलग ही मजा आता। सो गाइस, अभी कांवर देख रहे हैं, इसमें इतना ज्यादा बोझ है, ये देखना कैसे लेके जा रहे हैं। ये अंकल अच्छे खासे 60+ हैं, फिर भी ये कांवड़ लेके जा रहे हैं। यही तो है हमारे शिव जी की शक्ति, इनकी भक्ति। रियली यार, बहुत अच्छा लगा इन इस तरह से देख के कि हम लोगों में कितनी ज़्यादा भक्ति अभी भी है। like you, be strong, to hold the powers of the sun. सो
सो गाइज आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग झा झा जो हम बचपन में खेलते थे. एंड मैं जब आ रही थी तो मुझे मंकी भी मिला और साथ में एक बहुत क्यूट सी डॉगी जो शेरू और जिमी और मेरे घर की डॉगी कल्लो. सो गाइज ये वीडियो मयंक ने रिकॉर्ड किया है. पता है ये नोनी ना मेरा वेट कर रही थी जब तक मैं आई नहीं, ये मेरा वेट ही करती रही. जब मैं आई तो जाके खुश हुई, फिर मैं इसको खाना दे दिया. बाय बाय.